करनाल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारी को 3 N95 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। आपको बता दें कि N95 मास्क वितरण अभियान के 10वें दिन समाज सेवी पंकज गाभा, लग्जरी राइड के MD सुमित गर्ग व डॉक्टर अश्विनी कुमार न्यूरोसर्जन विर्क हॉस्पिटल करनाल के सहयोग से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों को N95 मास्क वितरित किए गए। आज अभियान का आखिरी दिन भी था। अभियान के आखिरी दिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारी को 3 N95 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस मौके पर डॉक्टर रविंदर संधू मास्क वितरण में मौजूद रहे। गाभा ने बताया कि इस अभियान को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को वितरित किए गए हैं। पंकज गाभा ने कहा कि अस्पतालों में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले असली कोरोना योद्धा हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है, वहीं कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर इस वायरस से लड़ रहे हैं। कोरोना होने का सबसे अधिक खतरा इन कर्मचारियों को होता है, इसीलिए हर कर्मचारी को मास्क दिए गए हैं। वहीं डॉक्टर अश्विनी ने कोरोना से बचाव के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। इस मौके पर लग्जरी राइड से सचिन कालरा, सुधीर कुमार, सोनू शर्मा समेत कई समाज सेवी मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।